शुएब भी एक अजीम नबी थे आप यून से पहले या बाद में तशरीफ लाए मुफस्सरीन और मौर्खी के अकवाल इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप अरबिय नस्ल हैं और मदियन बिन मदियन बिन इब्राहिम की तरफ मंसूब हैं आप जिस शहर में मबूस हुए उसका नाम मदियन था या फिर ये उस कबीले का नाम था जो उस बस्ती में आबाद था मदियन का ये शहर मशहूर शहर मान के करीब ही था आजकल ये उर्दन में है मान कौम लूत के बुहरा के करीब था बुहरा की हकीकत यह है कि जब अल्लाह ताला ने अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तबाही नाजिल करें इस बस्ती को ऊपर उठाकर औंधा गिरा दें उन्होंने इस बस्ती को तहवाला कर दिया तहस कर दिया तो इस बस्ती को बुहरा कहा जाने लगा यानी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात बहरा बहरे मुर्दार के करीब ही वाक है सयदिना शुएब है की कौम एक काफिर और ताजर कौम थी बुतों की पूजा करती थी और डाके डालती थी ये लोग तजारती रास्तों पर खड़े हो जाते तजारती काफिलों को इस तरह लूटते थे कि हर काफिले से जबरन दसवां हिस्सा वसूल कर लेते थे खुद भी मिलावट हेरा फेरी और धोखाबाजी के माहिर थे मिलावट तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी थी तमाम अम्बिया कराम की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को खालस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं दुरुस्त आमाल और सही अकायद की तरफ उनकी रहनुमाई करें इसके साथ ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि अहम मुआशरती, इकत और सियासी उमूर की भी रहनुमाई करें हकीकत यह है कि तमाम अम्बिया क्राम का तरीका यही था कि जहाँ कहीं कौम में कोई टेढ़ापन देखते उसकी असलाह फरमाने की कोशिश करते इबादत और अकीदे की इसलाह करने के साथ साथ दूसरी खराबियों का भी सामना करते जो उस कौम में पाई जाती थी आहले मदियन में मिलावट का रुझान सबसे बढ़कर था माप तोल में कमी करते थे इसके साथ इस कौम में दरख्तों की इबादत करने का रुझान भी पाया जाता था वो दरख्तों के पुजारी थे इसीलिए अल्लाह तूरतल हिज्रायत अड़हत्तर में फरमाया है और बेशक एका वाले भी बड़े ालिम थे इसी तरह सूरत शुआरा आयत एक सौ छिहत्तर में बारी ताला फरमाते हैं एका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया इस कौम ने तो सिर्फ शुएब शुआब की तकसीब की थी फिर अल्लाह ने रसूलों की तकजीब क्यों फरमाया इसका जवाब यह है कि एक रसूल और नबी की तकजीब तमाम अम्बिया कराम की तकजीब है क्योंकि सब अम्बिया कराम की दावत एक है सब के सब एक ही दावत देते रहे हैं सबका एक ही ऐलान था तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो ये थी तमाम अंबिया किराम की दावत अल्लाह सूरत आराफ आयत उनसठ में फरमाते हैं तुम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं मतलब ये कि तमाम अम्बिया की दावत एक ही थी अब जो आदमी सिर्फ एक नबी को झुटलाता है उसकी से कुफ्र करता है तो गोया वो सबको झुटलाता है सभी की तालीमा से इनकार करता है यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ने फरमाया, वालों रसूलों को झुटलाया बावजूद इसके कि उन्होंने सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था शुएब अम ने कौम को दावत देनी शुरू की अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत पिचासी में फरमाते हैं और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा उन्होंने फरमाया मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज दलील आ चुकी है सबके सब, सब अम्बिया किराम मोजात के साथ तशरीफ लाए हैं अगर मोजात न होते तो लोगों को कैसे पहचान होती कि वो हक पर हैं? मोजात न होते तो हम एक सच्चे नबी और नबुवत के झूठे मुदाई के दरमियान फर्क कैसे कर सकते थे नबी बरहक तो मोजात लेकर आता है दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जो मोजात लेकर ना आया हो मोजे की तारीफ में उमा लिखते हैं मोजा उस खिलाफ आदत अमर को कहते हैं जो इंसानों की ताकत से बाला हो और उसमें किसी आदमी का अमल दखल न हो यानी जिसको पेश करने से इंसान आजिज हो आजिज करने वाली वही चीज होती है जो जमीनी कवानीन और जवाब के खिलाफ हो मसलन मुर्दों का जिंदा करना पहाड़ों को चीर कर ऊंटनी का निकल आना लाठी का सांप बन जाना चांद का दो टुकड़े होना और दीगर मुआजा मुख्तर ये कि जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए कोई ना कोई ज़रूर साथ लाए, ताकि लोग उनकी सच्चाई पर ईमान ले आए अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे और हाथ की सफाई से कोई शोबदा दिखाए तो वो मुजजा नहीं है मुजजा होने के लिए चंद शराय है नंबर एक वो काम खिलाफ आदत हो कवानी ने फितरत को तोड़ने वाला हो नंबर दो उस काम को अल्लाह किसी नबी या रसूल के हाथों पर जाहिर करे नंबर तीन औरतों से जाहिर ना हो इसलिए कि अंबिया सब के सब मर्द थे अल्लाह ताला तूर यूसुफ आयत 109 में फरमाते हैं आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे नंबर चार उस मुआवजे से वो दूसरों को चैलेंज भी करे मुखालिफिन में से कोई ऐसा करके दिखाए चाहे सब मिलकर दिखाए मतलब ये कि वो सब के लिए चैलेंज हो। सलाम ने भी अपने के जरिए अपनी कौम को चैलेंज किया अल्लाह ताला उनकी जुबान से सूर आराफ आयत पचासी में फरमाते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज दलील आ चुकी है शुएब अल्साम ऐसे वाजे और रोशन अमूर उनके सामने पेश करते हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर वो दुनिया और आखिरत में फलाह पा सकते थे सूरतुल आराफ आयत में है। बस तुम नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो और रुए जमीन में इसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई फसाद मत फैलाओ ये तुम्हारे लिए फायदा मंद है अगर तुम तस्दीक करो अल्लाह तूरतल आराफ आयत छियासी में फरमाते हैं और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो मतलब ये तमाम तिजारती रास्तों में कटौतियां करने के लिए ना बैठा करो अगर वो तुम्हें रकूम अदा नहीं करते तो तुम उन्हें धमकियां देते हो जैसा कि सूरत आराफ आयत छियासी में है और तुम सड़कों पर इस गरज से न बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें गजी तलाश करने में लगे रहो अल्लाह ताला सूरत आराफ आयत छियासी में फरमाते हैं और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी थी अल्लाह ने बड़ी तेजी से उनकी तादाद में इजाफा कर दिया लेकिन जब उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बात को न माना तो उनका अंजाम क्या हुआ अल्लाह ताला आयत छियासी में फरमाते हैं और देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का लूत अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि उनके करीब ही थी इसलिए उनके अंजाम से डराया जा रहा है कौम लूत का वाकया उनके यहाँ मशहूर था शुेब् की दावत का तस्करा सूर हूद आयत अठासी में है की शुएब ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने ही का है दाई हजरात पर सिर्फ अपनी बिसात के मुताबिक पैगाम पहुँचा देना होता है लोगों को ईमान लाने पर मजबूर करना अम्बिया और दाई हजरात के मिशन में शामिल नहीं है अल्लाह तूरतुलगाशिया आयत बाईस में फरमाते हैं आप इन पर मुहासिब नहीं हैं। मतलब ये कि आप उन्हें ईमान लाने और राह रास्त पर चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते आपके जिम्मे यही अम्र है कि आप उनकी इसलाह करने की कोशिश करें सूरहूद आयत अठासी में है मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इसलाह करने का ही है मेरी अल्लाह ही की मदद से है उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुझू करता हूं जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इन बातों की तरफ दावत दी तो उन्होंने कुफर किया आपको झुटलाया बल्कि यूं कहने लगे उन्होंने जवाब दिया कि ऐ शुएब क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें, उसका करना भी छोड़ दें आज भी बाज लोगों का यही हाल है वो समझते हैं दीन का मतलब है मस्जिदों की हद तक इबादत कर लो सियासी और माशरती कोई जरूरत नहीं समझते इन मामला करते हैं कहते हैं बस जी ये तो दुनिया के हैं यही हाल था अलैहिस्सलाम की कौम का सूर्यहूद आयत सतासी के आखिर में है तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है मतलब ये उन्होंने मजाक के अंदाज में उनसे कहा तू तो बड़ा अक्लमंद है क्यों नाराज होता है सैयदना इबन अब्बास रजी अल्लाह से रिवायत है कि वो ये बात उनसे मजाक के अंदाज में कहते थे उनकी तारीफ नहीं करते थे फिर शुएब शुब्लाम ने इन अल्फाज में समझाया और मेरी कौम मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिए इस बात का बायस ना हो जाए कि तुम्हें भी वैसा ही मामला पेश आ जाए जैसा कौम नूह या कौम हूद या कौम, कौम साले को पेश आ चुका है और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं मतलब यह था कि कौम लूत तो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक थी उन पर आने वाले अजाब से तो तुम खुद अच्छी तरह खबरदार हो जानते हो उनके साथ क्या सलूक हो चुका है फिर आपने फरमाया तुम अपने रब से इस्तेफार करो और उसकी तरफ तवज्जो करो यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है जब वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो शुब अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया तो जरा ठहर जाओ यहां तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है पहले तो आम वाजो नसीहत फरमाई जब कौम न समझी तो उन्हें हलाक हलाकशुदा कौमों की मिसालें दी डराया कि कहीं तुम्हें भी ऐसे ही अजाबों से दो चार न होना पड़े लेकिन उन्होंने किसी बात का असर न लिया उल्टा यूं कहने लगे तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही ख्याल करते हैं अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान का आद और समूद के नक्शे कदम पर चलने लगे उनके अंबिया उन्हें हक की तरफ बुलाते रहे वो इनकार करते रहे आखिर उन पर अल्लाह के अजाब उतरे ऐसे ही ये लोग भी शोब को धमकियां देने लगे उनके मुकाबले आरोप उतर आए सूरत आराफ आयत अठासी में है कि सलाम की शुब के काफिर सरदारों ने उनसे कहा उनकी कौम के मुतकबर सरदारों ने कहा ए शुब हम आपको और जो आपके हम ईमान वाले हैं उन्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे या ये की तुम हमारे मजहब में फिर आ जाओ शुएब ने जवाब दिया क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाए गो हम इसको मकर ही समझते हो कौम के सरदार तकबर करते हुए मजीद कहने लगे कि अगर तू अपनी दावत पर अड़ा रहा तो हम तुझे मदियन से निकाल देंगे जवाब में शोब ने कहा अगर अजाब से बचना है तो मेरी बात मान लो उन्होंने न सिर्फ आपकी बात मानने से इनकार कर दिया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाने लगे इसका जिक्र सूरहूद आयत इक्नवे में आया है उन्होंने कहा अब तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती शुैब ने उन्हें फिर समझाया तो वो बोले ऐ शुएब तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं अगर तेरे कबीले का ख्याल न होता तो हम तुझे संसार कर देते और हम पर तुम्हारा दबाव तो है ही नहीं इस पर आपने फरमाया ऐ मेरी कौम के लोगो क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा इज्जत वाले हैं मतलब ये कि तुम मेरी कौम कबीले से तो डरते हो लेकिन अल्लाह ताला का तुम्हें कुछ भी डर नहीं इस मौके पर उन्होंने अपनी कौम को यूं खबरदार किया ए मेरी कौम अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ मैं भी अमल कर रहा हूँ बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर दे और कौन है जो झूठा है तुम भी इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ फिर आपने दुआ फरमाई ए अल्लाह मेरे और मेरी कौम के दरमियान फैसला कर दे उधर कौम के लोग इन्हें बस्ती से निकालने और संसार करने की धमकियाँ देने लगे आपकी दुआ के अल्फाज सूरह आराफ आयत उनानवे में आए हैं। ए हमारे परवरदिगार हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुआफिक फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है आखिरकार फैसले की घड़ी आ पहुंची अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को नजात अता और उनकी कौम पर अजीब और गरीब अजाब नाजिल होना शुरू हुआ और अजाब सिर्फ एक ही किस्म का नहीं था कई नौतों और शक्लों में आया अल्लाह व तआला हमें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाते हैं कि कौम आद किस तरह तुम्दो तेज हवाओं से तबाह की गई जबकि शुएब की कौम को इसके बिल्कुल बरक्स अजाब दिया गया अल्लाह ताला ने हवा को रोक लिया हालत ऐसी हो गई कि हवा बिल्कुल न चली गर्मी और हरारत तेज हो गई। फिर अल्लाह ताला ने बस्ती से बाहर एक बादल भेजा उसके नीचे साया था बच्चे बूढ़े जवान और औरतें सभी उस साय में जगह पाने के लिए भागे ताकि गर्मी से बच सकें। आखिर बादल के नीचे पहुंचकर बैठ गए जो ही सब वहां पहुंच बैठे उनके नीचे की जमीन हिलने लगी हिचकोले खाने लगी यहाँ तक जलजला शुरू हो गया, सब घुटनों के बल गिरते चले गए। उसी वक्त सलाम तो लाए और ऐसी जोरदार चीख मारी कि उस चीख की शिद्दत की ताब न लाते हुए सब के सब वहीं ढेर हो गए अल्लाह सूरत शुरा आयत एक में फरमाते हैं बस उन्हें सायान वाले दिन के आजाब ने पकड़ लिया जब उन्होंने साय और हवा को गुम पाया तो बादल को देखते ही उसके साय की तरफ लपके लेकिन उसमें तो अजाब था और उन्होंने यही तो कहा था अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो बस अल्लाह आसमान से ऐसा ही अजाब भेज दिया अल्लाह सूरह आराफ आयत इक्नवे में फरमाते हैं बस उन्हें जलजले ने आ पकड़ा सो वो औंधे पड़े रह गए अल्लाह ताला मजीदे ता में शैयब को और उनके साथ तमाम मुसलमानों को अपनी खास रहमत से नजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंगाड़ ने आ पकड़ा जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए गोया के वो उन घरों में कभी बसे ही न थे आगा रहो मदियन वालों के लिए भी वैसी ही फिटकार है जैसी फिटकार समूद पर पड़ी शुएब अलैहिस्सलाम और उन उन पर ईमान लाने वाले उन लोगों से दूर खड़े थे वो उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे सूरह आराफ आयत तिरानवे में इर्शाद रब्बानी है उस वक्त शुएब उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे ए मेरी कौम मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैर की फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं? इसके बाद वो दोबारा मदियन की तरफ लौट आए क्योंकि मदियन शहर तो बाकी रह गया था सिर्फ आहले मदियन ही तबाह हुए थे बाद में लोग आहिस्ता आहिस्ता मदियन में आकर आबाद होने लगे मदियन शहर फिर से आबाद हो गया उसकी रौनकें लौट आईं। अब मदियन के अक्सर बाशिंदे मुसलमान थे वो मुसलमान जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे वो और दूसरे इलाकों से आने वाले कुफार अब इस शहर के बाशिंदे थे और यही वो मदियन शहर था जिसमे सैदिना मूसा तशरीफ लाए थे शुएब अम का किस्सा अपने अख्तितम को पहुंचा।